माय नेम इज समीर डोसल एंड आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ द कनाडा पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल. थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ. मेरा मैंडेट ये है ऑन बिहाफ ऑफ कनाडा पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल टू प्रमोट बायलैटरल ट्रेड बिटवीन कनाडा एंड पाकिस्तान. एंड व्हेन सम टाइम बैक व्हेन इमरान मेहदी गोंडल अप्रोच मी दैट वी आर इनटू दिस कन्वर्सेशन ऑफ टेकिंग रीमैक्स, तो वो उस वक्त से ये कड़ी चल रही है. एंड हेंस आई एम हियर. आई एम हियर व्हेन आई अराइव्ड हियर, आने से पहले मैंने गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट की कि गवर्नर साहब विद द हेल्प ऑफ सलमान साहब, मेरे जाती तौर पे बहुत ज़्यादा मोहतरम अजीज़ मिस्टर एस एम मुनीर, हमारे भाईजान हरदिल अजीज़, ही हैज़ बीन अ पर्सनल इंस्पिरेशन फॉर मी एंड ही हैज़ बीन अ सपोर्ट फॉर प्रमोटिंग टाइज बिटवीन कनाडा एंड पाकिस्तान. सो उनकी तबीयत ख़राब थी तो वो नहीं आ सके, हमारी कल भी मुलाकात हुई है. लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मुनीर भाई ने अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन भी किया मुझे खैरियत पूछने के लिए कि आपका प्रोग्राम ठीक जा रहा है. ये हैं भाईजान हमारे. और उससे ज़्यादा मुझे एक बहुत बड़ी खुशी है जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मुनीर भाई का एक रोल है, आप उनसे काम करने के लिए कोशिश करें, कुछ कहें तो वो हमेशा खड़े होते हैं. लेकिन जो बहुत अच्छी बात है कि एक यंग नौजवान जो नेक्स्ट जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके छोटे साहबजादे एस एम इमरान जो रोल वो प्ले कर रहे हैं, दिस इज़ वॉट पाकिस्तान इज़ ऑल अबाउट. दिस इज़ ग्रूमिंग द यंगर जनरेशन. कनाडा पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल बड़ा फख्र महसूस करती है, हमने एक यूथ इंगेजमेंट का विंग किया है और ये किया है. तो जो रोल इस किस्म के लोग करते हैं, हमें इनको सराहना है, हमें सपोर्ट करना है और इनको इनकरेज करना है. इनकी विजन और विजडम को मैं सलाम करता हूँ. वेरी वेरी नाइस, वेरी अप्रिशिएटिव, थैंक यू वेरी मच. गवर्नर साहब का बहुत शुक्रिया, एस एम मुनीर साहब का बहुत शुक्रिया. कुछ दोस्त यहाँ बैठे, मैं मेरी सलमान साहब से बात हो रही थी और रियलाइजिंग के जी बिजनेस काउंसिल का रोल है, उन्होंने भी ओपन सपोर्ट दी है कि जो कनाडा पाकिस्तान के साथ और बिजनेस डेवलपमेंट के साथ पिबेट के सीईओ मौजूद हैं यहाँ, उनके साथ हमारा चंद साल पहले एक एमओयू साइन हुआ था. वी विल इंशाल्लाह टॉक टू यू एंड बिल्ड अप अपॉन दैट. आई वांट टू रिकॉग्नाइज अ फ्यू पीपल. मैं थोड़ा सा अपनी स्पीच का मोड थोड़ा सा डिफरेंट रखना चाह रहा हूँ. हमारे बहुत अच्छे दोस्त शाहिद मलिक साहब, अभी ही जस्ट लेफ्ट, ही वॉज दी हाई कमिश्नर ऑफ कैनेडा टू ऑफ पाकिस्तान टू कैनेडा. बहुत अच्छे साहब हैं, इन्होंने बड़ा काम किया कैनेडा रिलेशंस, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, एंड ही वॉज हियर एंड आई वॉन्टेड टू एक्नॉलेज हिज प्रेजेंस. एक मेरे जाती भाइयों की तरह दोस्त हैं, मैं चाहूँगा कि वो ज़रा खड़े हों उनका नाम लेते हुए. मिस्टर अजीज़ राखला इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन इन कैनेडा, द टॉप मोस्ट फिलेंथ्रोपिस्ट. सिटीजन फाउंडेशन के लिए सबसे ज़्यादा अगर कॉन्ट्रीब्यूशन किए कैनेडा में रहते हुए, सिटीजन फाउंडेशन को कैनेडा में पूरे दुनिया में सबसे टॉप करने में इनका हाथ है. इस किस्म के काम किए हैं. मेरे दोस्त बैठे हैं फैज़ फैजी जो कैनेडा पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, इमरान मेहदी गोंदल, ये सारे यंग नौजवान दोस्त हैं. जब मुझे ये पता चला कि असगर अली गोलो साहब जो हैं सीईओ ऑफ रीमैक्स पाकिस्तान हो गए हैं, मुझे इंतहाई खुशी महसूस हुई. क्योंकि अगर किसी शख्स ने, मैं 20-22 साल पाकिस्तान में रहूं, बेहतरीन काउंसिल जेंस लाए हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, इन पाकिस्तान में बेहतरीन काउंसिल जेंस लाए हैं. ये सारे जो दोस्त हैं वो तालियां इसलिए बजा रहे हैं कि वो ख़ास तौर से कनाडा से आए हैं और इस बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं. और मैं ज़ाती तौर पे जिस हफ्ते में प्रेसिडेंट बना था, उस हफ्ते कनाडा में असगर अली गोलो साहब आए थे, और जो रिलेशनशिप हमने बिल्डअप की है उसका आप असर और रिलेशनशिप आज देख रहे हैं कि जो रिलेशनशिप कनाडा पाकिस्तान की वजह से बनी है वो चीज़ है. और आई एम होपिंग, मैं अब थोड़ा सा रीमैक्स पे आना चाहूँगा कि मेरे ख्याल में एक कमाल की अपॉर्चुनिटी है. एक दो पॉइंट जो शायद एम्फसाइज हुए या नहीं हुए, जब रियल एस्टेट की खरीदो फरोख्त यहाँ होगी तो एक कॉन्सेप्ट नॉर्थ अमेरिका में है, इट इज़ कॉल्ड टाइटल इंश्योरेंस. टाइटल इंश्योरेंस विल बी ए सेटिस्फाइंग मीन्स डेवलपमेंट फॉर लोकल बायर्स एज वेल एज फॉर इंटरनेशनल बायर्स. एक शख्स जो वहाँ बाहर बैठ के ख़रीदना चाह रहा है, उसको वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैंने कोई चीज़ ख़रीद ली है और उसमें मुझे पता नहीं क्या होगा, किस जगह पे मेरे पेपर्स का क्या बनेगा,
मैंने एडवांस दिया है वो कोई ले तो नहीं जाएगा, जेन्युइन कंसर्न है। जो टाइटल इंश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट ये लोग लाने वाले हैं, उसमें थोड़ा सा हमारी ऑलरेडी बातचीत चल रही है टॉप 2-3 इंश्योरेंस कंपनीज के साथ, इंशाल्लाह आप उस चीज़ को देखेंगे। जो जिया साहब ला रहे हैं स्टेट ओन्ड है, दिस इज समथिंग फिनोमिनल, अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी विच पाकिस्तान कैन बी प्राउड ऑफ। सीपैक का काम कमेंट लेवल पे करते हैं, ये पहली दफ़ा ऐसे हो रहा है कि इन्होंने एक प्राइवेट सेक्टर में पाकिस्तान को डेवलपमेंट करने के लिए मदद की है या एक्सटेंड किया है एन अपॉर्चुनिटी टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान। ऐसे ही नहीं किया है, वो ये देख रहे हैं कि जो जिस डायरेक्शन में पाकिस्तान जा रहा है उस चीज़ को देखते हुए कर रहे हैं। जो इस वक्त हम यहाँ खड़े हुए हैं, जिस नया पाकिस्तान, और मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं 20-22 साल से कनाडा में हूँ और मैं पिछले अरसे से जब से आ रहा हूँ मैं, बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही है। मैं वैसे बनता हूँ कराची का, लेकिन जब मैं कराची से जब लाहौर आता हूँ, कनाडा से लाहौर आता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे लाहौर के दोस्त जो है ना कैसे वेलकम करते हैं मुझे। और जो लाहौर की जो डेवलपमेंट है वो दुनिया में किसी से कम नहीं है दोस्तों, इट्स फिनोमिनल। यू शुड बी प्राउड ऑफ, यू शुड वर्क हार्ड, देयर आर यू गाइज आर पोटेंशियल ओवर हियर टू पार्टनर विद रीमैक्स, एंड आई थिंक रीमैक्स विल गिव अस अपॉर्चुनिटीज टू स्ट्रक्चर द इकॉनमी। हुकूमत को सपोर्ट करेंगे टू structure and formalize the documentation of that economy. Shayad main reiterate kar raha hu, lekin main samajhta hu ki mera farz banta hai as the president of a Canada Pakistan Business Council to make sure for people to understand. Ye apni marketing kar rahe hain, main kuch bechne nahi aaya hu, main sirf diaspora ko yahan lana chah raha hu. Meri khwahish ye hai ki Canada, Pakistan, America aur duniya ke logon ko aap log welcome karenge to sare log khushi se aayenge और अपना वक्त, अपना सरमाया, अपना दिल पाकिस्तान को देने जाएंगे। इस पे मैं क्लोज करूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।